Hi everyone, I hope you guys are doing fine. And please let me know if we are live. Okay, let's wait. I am yeah. I think we are live. friends Hi. I hope you're fine. Yeah, so I think uh, now we are audible as well as visible. Please let me know. Please let me know if I'm audible visible. Okay. Hi, Ragvendra. Hi, Palak. Hi, Shruti. Hi, Hacker. Hi, Yogesh. Hi, Ashanya. Hi, Pratik Hi, Ananya. Hi, Manchi. Hi, Bhavya. Hi, Rahul. Hi, Yogesh. Thank you. Hi, Ravi. Hi, everyone. All right. So I hope you guys are doing fine. वॉइस स्लो आ रही है एक मिनट आल चेक वेट या आई थिंक नाउ इट्स फाइन पूरी फ्लैमिंग गो येस ठीक है मैम वॉइस यस। सो पूरी फ्लैमिंग गो करेंगे हम वेरी वॉम वेलकम टू दिस क्लास दिस इज़ योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा और आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे यू कैन चेक आउट द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इट्स गिवेन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू आर लर्निंग विद नंबर वन एजुकेटर्स सो येस हैव गॉट योर बैक एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी थिंग यू कैन चूज माई कोर्सेज यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई कोर्सेजेज कैसे आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है जैसे कि लाइन बाय लाइन एन सी वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी पैराग्राफ एम सी क्यूज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समन सी आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असाइनमेंट्स वाई वा प्रोजेक्ट्स

दी टेस्टीरीज फॉर रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन एंड वी हैवी विल आई विल एड मोर पेपर्स टू महा टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग एस डी सी सैम्पल पेपर्स सो आप इन सब का हिस्सा बन सकते हो डोंट फर्गेट कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली है अन अकेडमी प्लस पेज जहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर टेस्ट अनालिस एक्सपर्ट गाइडलाइन स्टडी मटीरियल लाइव क्लासेज वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कॉर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस एंड सो मच मॉर तो आप चाहे तो आप आइकॉनिक कंसिडर कर सकते हैं ये सारे के सारे फीचर्स के लिए या फिर लाइव क्लासेज वीकली डेस्ट स्ट्रक्चर कॉस्ज अनलिमिटेड एक्सेस और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लस भी वट एवर डैट यू चूज़ आप अपने प्लान को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डोंट फिगेट मेरा कोड है एस डी सी लाइव इस कोड की मदद से आपको मिलने वाला है टेन परसेंट डिस्काउंट सो मेक श्योर दैट यू यूज कोड एस डी सी लाइव और आपको मिल जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट बैचेस का हिस्सा भी आप बन सकते हो बट आई थिंक अभी नए वाले बैचेस का हिस्सा आप अपने जूनियर्स को बोल देना और वो लोग उसका हिस्सा बनेंगे क्योंकि आप लोग के लिए चल रहे हैं अल्टीमेट रिविजन बैचेज आप उनका हिस्सा बन सकते हो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम रिवाइज करने वाले हैं इंटायर फ्लेमिंगो को दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग रैट्रैप एज वेल एज इंडिगो को रैप अप करेंगे ना दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम दैट वी आर डूइंग इट हम लोग लास्ट टाइम वन शॉट करे दोनों का इसके बाद में हम लोग इस तरीके से Division में shot, uh, one shot नहीं करेंगे। तो तो ये बहुत मदद आपको करने वाला है एक final revision के लिए। तो very warm welcome और सारे की सारे बच्चों को भी बता दो कि हम लोग uh, पे आ आ चुके हैं ताकि सब, सब आ जाए। रियली स्वीट इफ यू थैंक यू सो मच हाय मुस्कान लेट्स स्टार्ट देन सबसे पहले हम लोग राप रिवाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो रेटराप किसने लिखा है राट्रैप लिखा है सेलमा लेगल ने ऑल राइट रैट्रैप लिखा है सेलमा लेगे ऑफ ने सेलमा ने इस एंटायर चैप्टर को बहुत ही अलग तरीके से नरेट किया है उन्होंने इंटायर चैप्टर को नरेट किया है फेरी टेल मैनो में तो चैप्टर पूरा फेरी टेल मैनो में नरेटेड है इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलने हैं मिल रहे हैं चार कैरेक्टर्स जो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे उनमें से एक है पेडला जिसको आप वैगबॉन ट्रैम्प यू नो you know, कह सकते हैं कैप्टन इन सारे नामों से जानते हो आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्रॉफ्टर यस yes. सो so, क्रॉफ्टर जो है वो यहाँ पे आ, मदद करने वाला है हमारी पेडलो की आयन मास्टर और एडला विलमैनसन ये सारे के सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो ये हम लोग सारे के सारे कैरेक्टर्स से यहाँ पर मिलने वाले हैं मूविंग अहेड आप देखेंगे कि एग्जैक्टली exactly चैप्टर के अंदर क्या होता है चैप्टर की शुरुआत होती है जब हमें रात रात सेलर के बारे में बताया जाता है हमें बताया जाता है कि एक बेचारा इंसान जो है वो दर ब भटकता रहता है मटीरियल के लिए भीख मांगता रहता है और वो शॉप्स में जाता है फार्म्स में जाता है और वहाँ से वो भीख मांग के मटीरियल लेकर आता है उसे भीख में वायर मिलता है उस वायर से वो रैट ट्रैप बनाता है और उस रैट ट्रैप को वो सेल करता है अब नेचुरली रैट ट्रैप जो है आ, वो ऐसा बिजनेस तो उसको नहीं प्रोवाइड कर सकता जो कि एक्चुअली एक अल्टीमेट बिजनेस हो मतलब ऐसा बिजनेस तो डेफिनेटली उसे नहीं मिल सकता आ, कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाए क्योंकि रैट ट्रैप ऐसी चीज है जो कोई इंसान रोज नहीं खरीदता तो उसका बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है तो बेचारे को दो वक्त का गुजारा करने के लिए चोरी भी करनी पड़ती है और भीख भी मांगनी पड़ती है ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो बहुत ही भूखा लगता है स्टाफ लगता है उसकी आँखों में भूख दिखती है और उसका पूरा का पूरा जो बॉडी है यू नो शो करता है कि वो कितना स्टाफ है वो बहुत अनकेम्प्ट है उसके जो कपड़े हैं वो एकदम से बहुत पुराने हैं फटे हुए हैं और उसके चीक्स भी एकदम शो, शो, शो हो रखे हैं तो एकदम एकदम पतलू सा हो रखा है बिकॉज उसको खाने के लिए नहीं मिलता अभी यहाँ पे वो बेचारा इतना ज़्यादा सैड होता है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मोनोटोनस होती है और इतनी सैड और मोनोटोनस लाइफ में आपको पता है कि वैसे भी पूरी की पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा क्रूअल है कोई एक इंसान आप सोचो पूरी दुनिया किसी एक नॉर्मल इंसान को भी इतना भाव ना दे तो एक रेटरैप सेलर को तो वो क्या ही सोचेंगे क्या ही समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी दुनिया रेटरैप सेलर के साथ में बहुत ही ज़्यादा अनकाइंड है एंड दैट इज़ वाई उसका ये मानना है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बड़ा है उसको ऐसा लगता है कि सब लोग उसके साथ में क्रूअल है एंड जस्ट बिकॉज ये सारे लोग उसके साथ में क्रूअल है वो भी ये सोचता है कि अब वो भी यू नो you know, इनके साथ में अब कुछ कर तो सकता नहीं है पर कम से कम वो क्रूअल है इनके साथ वो एक थॉट बनाता है अपने दिमाग में और वो थॉट होता है कि पूरी की पूरी दुनिया एक ट्रैप है इस दुनिया की रिचेज़ जॉयज कम्फर्ट्स ये सारी की सारी चीज़ें कुछ नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ लालच है एज ऐसुन एज आप इस लालच को आ, आप टच करते हो आप एकदम से फंस जाते हो यू नो you know, एक ग्रीड में तो आप ग्रीड में फंस जाते हो आप लालच में फंस जाते हो एंड देन उसके बाद में एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं पेडलर ये सारी चीज़ों को सोचता रहता है उसके लिए सोचना बड़ा एंटरटेनिंग है क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ करता भी नहीं है तो दैट इज़ वाई वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है एंड इट्स टू मच आई आई बहुत एंगेजिंग है उसके लिए बस इसके बारे में सोचना ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन वो एक ग्रे काटेज दिखता है दिसंबर का महीना चल रहा होता है इवनिंग्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो एक दिन वो एक ग्रे काटेज देखता है और वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे सहारा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर शेल्टर ले लेता हूँ तो वो जाता है और जाके डोर को नॉक करता है जैसे ही डोर को नॉक करता है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन निकल कर आता है और सरप्राइजिंगली लाइक बाकी सारे लोग जो थे वो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे लोग उसको शेल्टर नहीं देते थे लोग सार फेसिस से और उसको भगा देते थे पर सरप्राइजिंगली वो इंसान उसे अंदर लेकर जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होता है उसके लिए वो मैन जो होता है वो बहुत ही अकेला होता है और वो बहुत खुश हो जाता है किसी ऐसे इंसान को देखकर जो कि आज उसका तो गेस्ट बन के आया है वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है वो अपनी मेहमान नवाजी शुरू करता है और वो मेहमान नवाजी जो शुरू कर रहा होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें देता है उसे फूड देता है उसे खाना खिलाता है उसे शेल्टर देता है उसके साथ में स्मोक करता है उसके साथ मेोलिस खेलता है और साथ ही साथ में वो इतना ज्यादा जेनरस हो जाता है अपने सीक्रेट्स को लेकर भी वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर देता है उसके साथ में वो बताता है कि क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो एक क्राफ्टर के जैसे काम नहीं कर सकता एंड ऐसे टाइम में उनकी जो गाय है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है उनकी गाय बहुत ही एक्स्ट्रा है और उसने कल पिछले महीने इतना दूध दिया था कि उससे उसने थर्टी क्रॉनर्स कमाए हैं और वो थर्टी क्रॉनर्स वो बोलता है कि मैंने थर्टी क्रॉनर्स कमाया बड़ा ही उसको खुशी हो रही होती है ये चीज बता के अब ऑब्वियसली यहां पर जो रेट्राफ सेलर होता है वो बड़ा इनक्रेडिसली इसको देखता है मतलब बहुत ही इनक्रेडिलिस लगता है वो तो अभी क्योंकि वो ऐसा फीसिस बना रहा होता है जैसे कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि क्रॉफ्टर ने थर्टी क्रॉनर तो वो कहता है कि रुको वो जाता है किचन के पास वहां पे एक पाउच होता है उस पाउच को लेकर आता है उसमें से थर्टी क्रॉनर निकालता है और शो करता है ये देखो थर्टी क्रॉनर और उसको शो करके वापस पाउच में डाल देता है एंड देन उसको वापस से अपनी जगह पे रख देता है दोनों सो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अभी क्राफ्टर को अपने काउ को मिल करने जाना होता है और ऑब्वियसली गेस्ट जब उठ गया है तो आपको होस्ट uh, जब उठ गया है तो गेस्ट को भी उठना चाहिए तो वो भी हमारा रैट्राफ सेलर भी उसके साथ में उठ जाता है अब दोनों घर से निकल जाते हैं क्राफ्टर अपने रास्ते चला जाता है और राट्राफ सेलर थैंक यू बोल के अपने रास्ते चला जाता है आधा घंटा गुजरा होता है और इतने में वो वापस से उसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है वो आता है सामने और आकर फटाफट से ढूंढता है यू नो you know, उसको इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उसको सिर्फ़ और सिर्फ एग्जैक्टली uh, exactly पता होता है पैसे कहाँ पे है तो फटाफट से विंडो को स्मैश करता है और वहाँ से पैसे निकालता है पैसे निकाल के अपनी पॉकेट में डालता है एंड देन उसके बाद में वापस से पाउच को वहाँ टंगा कर और चला जाता है ऑबियसली वो वो बहुत खुश फील कर रहा होता है बहुत हैप्पी फील कर रहा होता है ऐसा लग रहा होता है वो कितना स्मार्ट है और यही स्मार्टनेस वो तब भी दिखाता है जब उसको पता होता है कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए अगर वो पब्लिक हाईवे से जाएगा तो देर आर चांसेस कि वो पकड़ा जाए और इसीलिए वो फॉरेस्ट में चला जाता है बहुत ही खुश फील कर रहा होता है आ, क्राफ्टर के यहाँ पर चोरी करके और बस वो घूमे जाता है घूमे जाता है घूमे जाता है इतनी देर हो जाती है कि बस वो घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है घूमता रहता है कि ऑलमोस्ट ऐसा फील होने लग जाता है जैसे कि वो सेम जगह पे बार 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 आ ही जा रहा है तो ये सोच के उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है है उसे रियलाइज होता जैसे कि वो एक रैट में है 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 उसे ऐसा लगता जैसे कि उसका जो एंड वो काफी करीब है और वो गिव अप कर देता है क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है सडनली उसे खटखट 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 सुनाई देती है जैसे ही वो लेट जाता है यू नो जमीन पर तो उसे खटखट खटखट सुनाई देती है ये थम्पिंग होती है जो कि हैमर की होती है जरूर आस कुछ लोग होते हैं ऐसा उसको लगता है के आसपास ज़रूर कुछ लोग होंगे एंड दैट इज़ वाई वो उस साउंड को फॉलो करने लगता है फाइनली जैसे ही वो साउंड को फॉलो करता है तो वो पहुंच जाता है आयन वर्कस पे दैट मीन्स रामजो आयन वर्कस में वहाँ पे उसे फर्नेस देखने को मिलती है अब देखो यार कोई भी यू uh, नो you know, इतनी ज़्यादा ठंड का मौसम अगर होगा दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने के अंदर अगर आप ऑलरेडी आपके पास में रहने के लिए जगह नहीं है इतनी बारिश हो रही है तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा कि मेरे को रहने के लिए कोई जगह मिल जाए पेडलर, जैसे ही यहाँ पर देखता है कि फर्नेस है तो ये सबसे इन्वाइटिंग प्लेस होती है उसके लिए आई I मीन mean, इससे बेटर तो और उसे क्या ही मिल सकता था अभी यहाँ पे ना ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस काम कर रहा होता है बहुत सारी नॉइसिस हो रही होती है ना वहाँ पे भट्टी होती है भट्टी के अंदर कोल डालने की नॉइस हो रही होती है बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होती है अच्छा वाटरफॉल से जो आ, हवा की वजह से बारिश जो आकर गिरती है उसकी आवाज़ आ रही होती है इतनी सारी आवाज़ें होती हैं कि इन आवाज़ों के बीच में ब्लैक स्मिथ नोटिस ही नहीं करता है कि पेडलर कब आके अंडर बैठ गया है Uh, खड़ा हो गया है फर्नेस के सामने ऑलमोस्ट जब वो फर्नेस के पास में खड़ा होता है उसके पास में खड़ा होता है तब जाके वो नोटिस करता है कि पेडलर यहाँ पे खड़ा है ही इज़ लाइक दिस जब वो ये कर रहा होता है तब तो उसे पता चलता है पेडलर वहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैं यहाँ पे रुक जाऊँ ब्लैक स्मिथ को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ब्लैक स्मिथ एक बहुत ही हॉटी कॉन्सेंट देता है बोलता है सी नॉट करता है एंड दैट्स सेट वो कुछ बात भी नहीं करता उससे कुछ नहीं पूछता पेडलर कहता तू मेरे कौन से चाचा का लड़का लग रहा है यार कोई बात नहीं नहीं करनी तो मत कर मैं चला जाता हूँ अभी आराम से बस उसको अपना परमिशन मिल जाता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अब मैं आराम से सोंगा अब आएगा मज़ा वो सोया ही होता है कि इतने में वहाँ पर एंट्री होती है आयन मास्टर की उस जमाने में रैम जो आयन वर्कस एक बहुत ही प्रमिनेंट आयन मास्टर होल्ड करते थे वो आयन मास्टर का एक ही इकलौता रीज़न था कि मतलब वो उनका एक ही एम था और वो एक एम ये था कि वो बेस्ट क्वालिटी आयन मार्केट में लेकर जाना चाहते थे यही रीज़न है कि वो सुबह दोपहर शाम रात को हर बार इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे और आज रात को भी वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे अब वो आज रात को इंस्पेक्शन के लिए आए थे उन्होंने ब्लैक जैसा नहीं किया उन्होंने देखा वहाँ पर कोई तो एक इंसान ऐसे पड़ा हुआ है You know ऐसा लग रहा है कि भाई ये 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 क्या हो रहा है यार तो उन्हें जैसे ही दिखा कि यहाँ पर कोई तो एक इंसान है जो कि इस तरीके से लेटा हुआ है जैसे फटे पुराने कपड़े हो तो वो जाकर देखते हैं बोलते हैं यार ये रैगम कौन है जाकर चेक करते है तो पता चलता है कि ये तो उनका पुराना दोस्त है रेजिमेंटल कॉमरेड नील जुलौफ है वो कहते हैं ओ माई गॉड नील जुलौफ़ ये तो तुम हो पेडलर को पता नहीं होता है कि ये किसकी बात कर रहे होते हैं पर पेडलर को लगता है वाह यार अगर इसको लग रहा है कि मैं कोई आ, इसका जान पहचान वाला इंसान हूँ तो दैट्स गुड यार अच्छी बात है अगर इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि कम से कम ये मेरे को थोड़े से पैसे वैसे दे जाएगा और क्या तो बिल्कुल मना नहीं करता बोलता ये क्या हुआ तुम्हारी साथ में बोला हाँ मेरे साथ में मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था हाँ मुझे मैंने रिजाइन कर दिया तो बोलता हाँ मुझे रिजाइन नहीं करना चाहिए था बोला चलो अब जो हो गया वो हो गया तो मेरे साथ घर चलो घर चलो वो कहता यार तेरे को पैसे देने तू मेरे को पैसे दे दे यार मैं तेरे साथ घर नहीं जा सकता वो सोचता यार घर जाना इज ऑलमोस्ट एज इफ मैं अपने आप को शेर के डेन में फेंक रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा मैं बिफकूफ तोड़ी हूं जब मैं जाकर आ, अपने आप को थ्रो कर दूंगा इसके सामने लायन के डेन में नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वो कहता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मना करता रहता है आयन मास्टर को ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके कपड़े इतने खराब है उसकी हालत इतनी खराब है और इसीलिए कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील हो रहा होगा दैट इट्स नॉट वर्थ इट घर पे जाने के लिए तो वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो मेरा घर को इतना भी अच्छा नहीं है कि वहां पर तुम अपनी शक्ल ना दिखा सको ऑल चलो अभी मेरे साथ चलो वो फिर मना कर देता है तो इतने में आयन मास्टर एक गंदी सी स्माइल ऐसी स्माइल जो कि मम्मी देती है आज जब आप कहते हो बस इतनी रोटी खानी है तो इतनी गंदी सी स्माइल देती है ना और उसके बाद में फिर वो और लेकर दे आ जाती है एग्जैक्टली वैसी स्माइल देकर और वो वहाँ से चला जाता है आधा घंटा भी नहीं गुजरा होता इतने में कैरिज की आवाज़ आ जाती है एडला आती है जो कि आयन मास्टर की बड़ी बेटी होती है एक वैले को लेकर आती है हाथ में होता है उसके फर कोट और वो फर कोट को लेकर और अब वो वो कोट को लेकर वैले उनके पीछे पीछे चल रहा होता है अब एडला वहाँ जाती है जाकर एडला काफ़ी मॉडस्ट होती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है पर कहीं ना कहीं मॉडस्ट होती है बहुत ही शर्मीली होती है इतनी शर्मीली होती है कि वहाँ जाती है और जाते ही जैसे उसे पेडलर दिखता है उसकी टोपी हटा देती है पेडलर की आदत होती है एकदम कच्ची नींद में सोने की यार अगर आपका प्रोफेशन चोरों जैसा है तो आप एकदम गहरी नींद में नहीं सो सकते आप गहरी नींद में सो जाओगे द तो नेक्स्ट थिंग यू नो कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो इसके लिए पेडलर आराम से ऐसे एकदम ऐसे रेडी सो रहा होता है वो कहते कौन है तो वो इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा डर जाता है कि एडला कहती है कि अमरुली सॉरी really आपके साथ में ये सब हो रहा है एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड ऑल और आपको मेरे साथ घर चलना चाहिए वो नोटिस करती है कि पेडलर की शक्ल पे ना बारह बजे होते हैं ये बारह जरूर इसके लिए बजे हैं क्योंकि ये इंसान जो है ना इसने या तो चोरी की है या तो इस इंसान ने चोरी की है या इस इंसान ने ये पुलिस से भाग कर आया कुछ तो हुआ है वो बोलती है कि आप चिंता मत करो आप आ, जैसे आप आ रहे हो ना मतलब आप अपने विल से मेरे साथ चल रहे हो तो आप मेरे अपने विल से ही वापस आओगे तो आप चिंता मत करो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी पेडलर को एक कॉन्फिडेंस फील होता है पेडलर को ऐसा फील होता है जैसे कि वो एडला पे भरोसा कर सकता है वो इसी के लिए उसके साथ में अग्री कर देता है बोलता है ठीक है मैं डेफिनेटली आपके साथ चलूंगा अब वो फाइनली वहाँ पे फर कोट को एक्सेप्ट करता है फर कोट पहनता है वो देखता भी नहीं है ब्लैक स्मिथ को और बिना ब्लैक स्मिथ को देखे के वहाँ से चला जाता है वो कैरेज में बैठता है तो उसे एक ईवल फोरबोर्डिंग होती है ऐसा नहीं होता जब आपको फील हो रहा होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है कुछ तो गलत होने वाला है तो उसको एकदम ऐसा ही फील हो रहा होता है एज आजफ उसके साथ पे कुछ तो गलत होने वाला है क्योंकि उसने वो पैसे चुराए हैं और वो पैसे ओ माई गॉड वो पैसे बोला वो पैसों की वजह से आज मेरे को लगता है मैं एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाला हूँ उसको अंदर से ऐसे बैड बटरफ्लाइज फील हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद में वो फाइनली वहां से चला जाता है नेक्स्ट डे जब यहां पे आयन मास्टर डिसाइड कर रहा होता है कि इस इंसान को थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर इसके लिए एक जॉब ढूंढेंगे तो एटला कहती है पापा कल रात को तो मुझे इसे देखकर लगा ही नहीं कि वो कहीं से भी एजुकेटेड वो कहता है तुम चिंता मत करो अभी वो ना धोकर आएगा ना तुम्हें एकदम मस्त एकदम ऐसा लगेगा आ, आ, सारा तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ये जैसे ही वो कहता है इतने में हमारा पेडलर एंटर होता है पेडलर की आप देखोगे पेडलर की सूरत जो होती है वो एकदम से ही डिफरेंट हो जाती है मतलब उसको निलाया धुलाया जाता है शेव वेव किया जाता है बाल वाल काटे जाते हैं सूट पहनाया जाता है पूरे जूते उसने जीवन में पहली बार पहने होते हैं बोला यार ये मैं किसको लेकर आया था ये टॉम क्रूज कैसे निकला कहता है ये कौन है फिर वो कहता है यार वो कहता है व्हाट इज दिस बोला ये क्या मजाक है आप कौन हो तो अभी वो बोलता है अभी पेटलर को पता चल जाता है कि बस अभी उसका सारा खेल खत्म हो गया तो पेटलर इसलिए अरे मैंने कब बोला था मैं तो मना कर ही जा रहा था मैं तो कह ही जा रहा था कि मेरे को नहीं चलना है नहीं चलना है नहीं चलना है आप ही मेरे को जबरदस्ती कह रहे थे ओके आयरन मास्टर कहता है भैया तुमने मना तो किया था पर तुम कोई इतने ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं थे समझ में आई तुम इतने कोई ऑनेस्ट भी नहीं थे तो इसके लिए अभी फाइनली वो बोलता है अभी मैं शरीफ को बुलाता हूँ सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पेटलर कहता है मिस्टर आयरन मास्टर देखो अगर आज शरीफ आया और मुझे वो जेल में लेकर गया तो तुम भी एक बार ऐसा ही होगा कि तुम इस तरीके से राटराप में फंस जाओगे ये पूरी की पूरी दुनिया एक राटराप है एक चीज के पीछे भागते हैं और फिर हम पूरी लाइफ टाइम उसमें फंस जाते हैं अगर आज शरीफ आया और वो मुझे लेकर गया तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा अब आयरन मास्टर हंसने लग जाता है बोला चलो कोई बात नहीं अभी शरीफ को अकेला छोड़ देते हैं और फिर फाइनली आयरन मास्टर उसको बोलता है निकलो अब वो जा ही रहा होता है इतने में एडला आ जाती पापा बोला पापा ये जो इंसान है ये इंसान बारह महीने एकदम ऐसे ही घूमता रहता है आप सोचो ये पूरे बारह महीने ऐसे ही घूमता रहता है इसको डर लगा रहता है कि इसे कोई पकड़ लेगा पुलिस इसे पकड़ लेगी इसको इंस्पेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा ना इसको सोने का खाने का इसके इसको किसी चीज़ का होश भी नहीं होता पापा आज हमने इस इंसान को क्रिसमस चेयर प्रॉमिस किया है हम ऐसे इंसान से क्रिसमस चेयर कैसे ले सकते हैं हम लोगों को आज इसको क्रिसमस पे यहां रखना चाहिए इसे एक दिन अपने लाइफ में ऐसा देना चाहिए जिसमें वो बिलोंग फील कर सके एडला का परजुएजन पावर नेक्स्ट लेवल था आयन मास्टर क्या करता है आयन मास्टर कहता ठीक है भाई तुम्हें जो करना है करो आयन मास्टर अग्री तो कर लेता है और इसके बाद में पेडलर को एडला पकड़ कर लेकर जाती है बोलती है चलो मेरे साथ में और चलो खाना खाओ अब वो खाना खा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि क्या क्रेजी आइडिया है यार मतलब ये क्या सोच रही है इसने क्यों रख लिया है मेरे को घर में क्या क्रेजी आइडिया होगा वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है बट देन इसके बाद में उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता यू नो थ्रू आउट उसने इतना किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया होता क्या कैसे करेगा पूरे टाइम बस खा रहा था और सो रहा था पूरे टाइम वो बस सोता रहा फिर उसको उठा के लेकर आया खाना खा ले फिर सो गया फिर उसको उठाकर लेकर आया कि क्रिसमस का क्रिसमस ट्री को हम लाइट कर रहे हैं आजा फाइनली वो वहां गया इतनी आंखें उसकी ऐसे चमक उठी थी इतनी ज़्यादा रोशनी देखकर क्योंकि वो सो रहा था वहाँ पर सारे लोग प्रेजेंस एक्सचेंज कर रहे थे एडला ने बोला कि मेरे पापा चाहते हैं कि जो सूट आपने पहन रखा है इस सूट को आप रखो एज अ प्रेजेंट और मैं मैं चाहती हूँ कि अगर आपको अगले साल भी ऐसा फील हो कि आपको कहीं आना है किसी एक सेफ जगह आना है आपको ऐसा फील करना है कि आप रिलैक्स करना चाहते हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो तो ऐसा उन्होंने उसको कहा अभी भी पेडलर ने कोई जवाब नहीं दिया पेडलर अभी वहां से चला जाता है नेक्स्ट डे अभी फाइनली एडला और उसके फादर जो हैं वो क्रिसमस सर्विस के लिए निकल जाते हैं और क्रिसमस सर्विस से वापस आते वक्त एडला और ज़्यादा सैड लग रही होती है वो इतना ज़्यादा सैड इसके लिए लग रही होती है क्योंकि अभी उनको चर्च में पता चला है कि क्रॉफ्टर के घर में चोरी हुई है और जिस इंसान ने चोरी की है वो रैट्रैप सेलर है एडला के पापा उसे डांट रहे होते हैं कि देखा मैंने मना किया था कि तुम उस इंसान को घर में मत लेकर आओ पर तुम उस इंसान को घर में लेकर आई और अब देखो उनको चिंता हो रही होती है कि बिल्कुल भी सिल्वर स्पूंस घर में बचेंगे ही नहीं और ये इंसान जो है ये इंसान तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ के जाने वाला है सब चुरा कर ले जाएगा एडला गो आओवर इसीलिए दुख वो इतनी दुखी इसलिए होती है क्योंकि उसे लगता है आज उसने पहली बार किसी पर अपना ट्रस्ट प्लेस किया है अगर आज उसका ट्रस्ट टूट जाएगा तो वो लाइफ में कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी जैसे ही वो घर पहुँचते हैं वो वैले से पूछते हैं कि भाई वो कहाँ गया मतलब वो इंसान चोर है तो अभी यहाँ पर क्या मतलब वो इंसान कहाँ गया वो कुछ चुरा कर तो नहीं लेकर गया वैले बताता है कि वो इंसान तो चला गया है पर वो कुछ चुराने की बजाय कुछ दे कर गया है वो एकदम से बहुत ही डर्टी मैनर में पैक्ड गिफ्ट उसके लिए छोड़ कर जाता है एडला के लिए छोड़कर जाता है उस गिफ्ट को जब वो अनरैप करती है तो वहाँ पे उसे एक रैट ट्रैप दिखता है उसके अंदर एक लेटर दिखता है और थर्टी क्रॉनर के इतने टूटे फूटे नोट्स दिखते हैं जैसे कि पता नहीं कितने सालों पुराने हो लेटर के अंदर लिखा होता है कि क्योंकि तुमने मुझे एक कैप्टन के जैसे ट्रीट किया तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं भी एक कैप्टन के जैसे एक्ट करूँ मैं नहीं चाहता कि मैं क्रिसमस पे तुम्हें एम्बेरस फील कराऊं और इसीलिए जो पैसे हैं इस पैसों को क्रॉफ्टर तक पहुंचा दो वो उस साइड पे एक क्रॉफ्टर रहता है जो मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए बेट सेट करता है मैं इस बेट में फंस गया था और इसीलिए मैंने चोरी करी थी ये पैसे उसके हैं ये पैसे उसे लौटा दूँ अगर आज और ये रैड ट्रैप उस रैड की तरफ से है जिसे फ्री कर दिया अगर आज मुझे इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता अगर मुझे कैप्टन के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता तो शायद मैं इस ग्रीड में फंस के ही रह जाता तो अभी वो बोलता है कि आपकी वजह से ये एडला का कम्पैशन था कि ट्रैप सेलर का सोल चेंज हो गया ये एडला का कम्पैशन था कि उसने पैसे लौटा दिए कि उसका सोल चेंज हो गया एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसने बोला कि उसे कैप्टन के जैसे ट्रीट किया था इसीलिए वो एक कैप्टन के जैसे एक्ट करेगा उसने साइन किया कैप्टन वोन्टेहल और स्टोरी खत्म हो गई कैप्टन वोन् स्टेहल एक्चुअली नील दलॉफ हैं है, तो इट्स ओके ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन कि यहाँ पे इसका जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है और थीम यही है कि प्यार से क्या नहीं हो सकता अगर आप प्यार दिखाते हो आप लव दिखाते हो आप अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो तो आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हो किसी भी एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ये स्टोरी एम्फिसाइज़ करती है इम्पोर्टेंस पे सेकेंड चांसेस के आपको दूसरा चांस हर एक इंसान को देना चाहिए हर एक इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए क्योंकि अगर उस इंसान को दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान कित किस चीज़ के केपेबल है तो एडला की वजह से शायद आज एक दूसरा मौका पेडलर को मिला और उसकी वजह से शायद वो चेंज हो गया एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आ गया येस yes, सो so इसने कैप्टन वोन स्टेहल इसके लिए साइन किया बिकॉज ही वॉज़ रेज्ड एज एफ यू वर अ कैप्टन जैसे कि वो कैप्टन था ऐसे ही उसे रेज किया गया था तो उसको भी उसने भी वैसा ही साइन किया जैसे कि वो कैप्टन ही था वो यहाँ पे एक पेडलर बन के बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं करना चाहते थे एडला को वो चाहते थे कि वो एकदम यू you नो know, एक कैप्टन के जैसे ही बन के दिखाएँ कैप्टन क्यों क्योंकि उसे कैप्टन मान के ही लेकर आए थे उसके पापा और एडला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो आ, वो एक नॉर्मल सेलर है रैट ट्रैप सेलर है या कैप्टन क्योंकि उन्होंने तो उसे वैसे ही ट्रीट किया था वैसे ही ट्रीट किया तो उन्होंने भी फिर वही साइन किया उन्होंने इसलिए एज अ साइन किया क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि उन्हें कैप्टन के जैसे ट्रीट किया गया था और वो सच में अब एक कैप्टन का हार्ट लेकर जा रही है ऑल राइट सो चलो इसी बात पे अभी फाइनली आगे चलते हैं और देखते हैं इंडिगो को हाँ सेकेंड चांस कैसे मिला अजय अगर अभी हम ये मान के चलने हम ये सोच के चल ले कि भाई अब सेलर को तो कुछ ही नहीं हो सकता राट्राफ सेलर तो एक चोर बन चुका है और इस ये इंसान को तो कोई चांस नहीं मिलना चाहिए इसे तो जेल में डाल देना चाहिए तो फिर बस वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं ना सेकंड चांस उस पर भरोसा करके दिया गया वो चोर था उसके बावजूद उसके ऊपर इतना भरोसा किया कि पूरे घर में उसे अकेले छोड़ दिया। ये इंडिगो right, uh, जो है वो लिखा है लुई फिशर ने तो यहाँ पे लुई फिशर ने हमारा खतरनाक सा चैप्टर लिख दिया है जिसका नाम है इंडिगो लुई फिशर गांधी जी से मिलते हैं सेवाग्राम में आ 1942 में गांधी बताते हैं कि ये दो ये 1916 की बात है जब वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा देंगे उन्होंने एनुअल कॉन्वेंशन अटेंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में और वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स आए थे राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था वो चंपारण से आया था जो कि बिहार में था और वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चले गांधी जी ने इस जगह का कभी भी नाम भी नहीं सुना था गांधी जी के लिए ये जगह एकदम नई थी ये जगह खूबसूरत जगह थी जो कि हिमालय के फुटहिल्स पे सिचुएटेड थी और नेपाल के किंगडम के पास थी राजकुमार शुक्ला का ये कहना था कि वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स को मॉल ट्रीट किया जा रहा है उन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और गांधी जी उनके साथ चलकर उन्हें बचा सकते हैं राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चलकर और मदद करें शेयर क्रॉपर्स की पर गांधी जी ने बोला कि वो इमीडिएटली नहीं चल सकते गांधी जी का ये कहना था कि उनके पास में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं और उन्हें सबसे पहले वहाँ जाना पड़ेगा अब ये सुन के राजकुमार शुक्ला उन्हें फॉलो करने लगे राजकुमार शुक्ला हर उस जगह जाने लगे जहां पर गांधी जी थे राजकुमार शुक्ला ने सोचा कि वो गांधी जी को ले बिना नहीं जाएंगे फाइनली जब गांधी जी अपने आश्रम में आए तो राजकुमार शुक्ला ने उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ा राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम में भी बहुत हफ्तों तक रहे उनकी टेनासिटी से खुश होकर गांधी जी ने उन्हें कहा वो सच एंड सच डेट पे कैलकटा आने वाले हैं और वहां से वो क्या कर सकते हैं वो पिक कर सकते हैं वो पिक कर सकते हैं गांधी जी को एंड गांधी जी उनके साथ में फिर चंपारण चलेंगे ऑल राइट या सो ऐसा उन्होंने कहा फाइनली गांधी जी कैलकटा आ गए गांधी जी जब कैलकटा आए तो शुक्ला जी वहां पर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे शुक्ला जी वहां पे पेशेंटली इंतजार कर रहे थे और गांधी जी जब तक फ्री नहीं हुए शुक्ला जी ने वहां पे जगह ही नहीं छोड़ी फाइनली गांधी जी जब फ्री हुए तो शुक्ला जी उनके साथ में पटना गए शुक्ला जी उन्हें लेकर पटना पटना के लिए निकल गए पटना में इसके लिए उनका जाना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बनी थे राजेंद्र प्रसाद उस वक्त टाउन में नहीं थे और इसीलिए राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, जी को उनके सर्वेंट्स ने वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो राजकुमार शुक्ला को किया करते थे उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार शुक्ला या गांधी जी टचेबल हैं भी या नहीं उनका तो यही मानना था कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी आ उन फार्मर्स में से एक है जो उनके मालिक को रोज़ परेशान करने आ जाते हैं तो उन्होंने उन्हें वैसे ही ट्रीट किया उन्हें ज़मीन पर रुकने के लिए कहा और उन्हें कुएं में से पानी भी नहीं लेने दिया उनका यह मानना था कि अगर ये अनटचेबल हुए और उन्होंने ने इस कुए को टच किया तो शायद कुए मुजफ्फरपुर की जो स्पेलिंग है वो NCRT की स्पेलिंग है मुझे पता है कि मुजफ्फरपुर में डबल एफ आता है ना कि डबल जी तो कृपया करके आप देख लीजिएगा कि आपको एक्चुअल गूगल वाली स्पेलिंग यूज करनी है या फिर आपको मुजफ्फरपुर जो कि एनसीआर में दिया है उसकी स्पेलिंग यूज करनी है गांधी जी ने फाइनली यहाँ पर आ, वो उनके साथ गए तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें मुजफ़्फ़रपुर जाना चाहिए चंपारण जाने से पहले क्योंकि वो चंपारण जाने से पहले ये जानना चाहते थे कि आखिरकार माजरा क्या है राजकुमार शुक्ला पूरी बात को समझाने के केपेबल के नहीं थे और इसीलिए गांधी खुद से देखना चाहते थे सारे फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जे बी कृपलानी को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो मुजफ्फरपुर जाने वाले मुजफ्फ़रपुर आने वाले हैं जे बी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ में वहाँ पर गांधी जी को पिक करने आए और गांधी जी प्रोफेसर मलकानी जी के घर पे दो दिन तक रहे गांधी जी का ये मानना था कि उन दिनों में आ, किसी एक होम रूल के एडवोकेट को अपने घर में हाव करना अपने घर में जगह देना एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जिसे इस स्टंट के लिए निकाला जा सकता था यू नो उसकी नौकरी से उसका ये करना एक बहुत ही बड़ी बात थी तो इसीलिए गांधी जी ने सबसे पहले तो गांधी जी शौक़ हो गए कि यहाँ पे कृपलानी जी जो है वो उन्हें पिक करने आए एंड देन मलकानी जी के घर पे वो दो दिन रह पाए फाइनली गांधी जी ने यहाँ पर सोचा जैसे ही गांधी जी वहाँ पर आए तो सारे लोगों को पता चल गया कि गांधी जी वहाँ पर क्यों आए जैसे ही सारे लोगों को पता चल गया कि एक मसीहा आया उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग पैदल या जो भी उनके पास में मींस था उस जरिए से वहाँ पर पहुँचने लगे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को पूरी बात बताई उन्होंने बताया कि वो कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं तो गांधी जी ने उन्हें डांटा उन्हें फटकारते हुए गांधी जी ने कहा कि तुम इन्हीं लोगों से लोगे क्या सारे के सारे पैसे गांधी जी ने कहा मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जहां पर ये शेयर क्रॉपर्स इतने रहे हुए हैं लॉ कोर्ट्स कुछ नहीं करेंगे लॉ कोर्ट्स किसी फायदे के नहीं है क्योंकि यहां पे जो तो कोर्ट भी ब्रिटिशर्स के जज भी ब्रिटिशर्स प्रोसिक्यूटर ब्रिटिशर और जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर रहे हैं वो भी ब्रिटिशर है ये लोग तो इतने ब्रिटिशर्स से डरते हैं कि इनकी तो आवाज भी नहीं निकलेगी ऐसे के अंदर मेरे ख्याल से इन्हें डर से मुक्त करना ज्यादा बेटर रहेगा कोर्ट में इस केस को ले जाने की बजाय मैटर क्या था मैटर ये था कि शेयर क्रॉपर्स या फिर हम बोलें चंपारण की जो लैंड थी यहाँ पे इंग्लिश मैन का ये मानना था कि चंपारण की लैंड उन्हें बिलोंग करती है सारे के सारे एरेबल आ, एरिया के मालिक वो हैं उन्होंने पूरे के पूरे एरेबल एरिया को एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया था अगर किसी भी एक इंसान को उस पर काम करना था तो उसके लिए उन्हें रेंट चुकाना पड़ता था सो अभी यहाँ पे जितने भी पेजेंट्स थे उन पेजेंट्स को वहाँ पे रेंट चुकाना पड़ता था अगर उन्हें उसमें काम करना था तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक ही था आ, रेंट के लिए उन्होंने यह कहा था कि तुम्हें पैसे देने की बजाय आप जो ये, जो भी आपका खेत है उस खेत के उस फार्म के पंद्रह परसेंट एरिया पे इंडिगो उगाओगे okay? और इंटायर इंडिगो का जो हार्वेस्ट है वो हमें लौटा दोगे हमें दे दोगे एज अ रेंट ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत चल रहा था बहुत ही परेशानी वाली चीज़ थी पर लोग बेचारे निभा रहे थे क्योंकि उन्हें और कुछ आता नहीं था उनके लिए आ, बहुत बड़ी चीज़ थी यहाँ पर खेती भी कर पाना अभी जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो उगने के बाद में ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि उनका बिज़नेस एक प्रॉपर फेल होने वाला है क्योंकि अब आ, असली इंडिगो को कौन खरीदेगा जब नकली इंडिगो ऑलरेडी चीपर रेट में अवेलेबल है उन्हें पता था कि अभी उनका जो बिज़नेस है वो ड्रॉप होने वाला है तो इससे अच्छा जाते जाते कुछ पैसे वो कमा क्यों ना लें इसीलिए उन्होंने कुछ पैसे कमाने का सोचा और उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर पैसे कमाने हैं तो अभी यहाँ पर पेजेंट्स को कुछ ना कुछ स्टोरी तो कुक करना पड़ेगा तो फाइनली उन्होंने पेजेंट को बोला कि हम तुम्हें पंद्रह की अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे पर उस अरेंजमेंट से फ्री होने के लिए तुम्हें हमें कॉम्पनसेसन देना पड़ेगा ये पूरा का पूरा झंझट इतना ज़्यादा सर खपाऊ था कि उन्हें ऐसा लगा कि अरे पंद्रह की अंगेजमेंट से फ्री होने के लिए जो कॉम्पनसेसन देना पड़े शायद कॉम्पनसेशन देकर फ्री हो जाते हैं कुछ लोगों ने बहुत ही जल्दी की और जल्दी से सारा का सारा कॉम्पनसेशन उन्हें पे कर दिया कुछ लोग जिन्होंने पे नहीं किया उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए और उन्हीं के जवाब के अंदर लैंड ने ठग्स हायर कर लिए फाइनली फाइनलीस को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो मिल गया है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स तो उन्हें फ्री anyway करने वाले थे उन्हें चीटेड फील हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स तो anyway उन्हें छोड़ के जाने वाले थे तो ऐसे लोग जिन्होंने कॉम्पनसेशन दे दिया था उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उनसे बिना बात ही पैसे ले लिए गए इसीलिए उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए थे इसी मोमेंट पर गांधी जी चंपारण के अंदर एंटर हो जाते हैं फाइनली गांधी जी को पता था कि ये लॉ का केस नहीं है क्योंकि लीगली अगर हम देखें तो जो इंग्लिश मैन थे वो

गांधी जी को इतनी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी फिर भी गांधी जी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले थे वो इनफैक्ट मोतीहारी गए और वहाँ पर एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाकर काम करना शुरू कर दिया जैसे ही उन्हें पता चला कि एक पेजेंट को बाजू के गांव के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है उन्हें लगा कि चाके उन्हें चेक करना चाहिए इसीलिए वो अपने घर से निकल पड़े रास्ते में उन्हें सुपरिटेंडेंट सुप्रीटेंडेंट के मैसेंजर ने रोका और उन्होंने बोला कि उनके लिए कोई एक मैसेज है जो कि सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर लेकर आएँ उन्होंने उनका मैसेज पढ़ा और मैसेज में बताया गया था कि तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए क्विक चंपारण इमीडिएटली गांधी जी ने वहाँ पर रिसीट तो साइन कर दी थी पर उन्होंने ये बोला कि मैं चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा वो धमकी दे रहे थे कि कुट चंपारण इमीडिएटली गांधी जी ने बोला इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं मैं इस ऑर्डर को डिसोबे करता हूं फिर क्या था अगले ही दिन उन्हें कोर्ट में बुला लिया गया अगले ही दिन जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया तो अभी गांधी जी पूरी रात नहीं सो पाए पूरी रात बस वो यही प्लानिंग कर रहे थे कि अगर उन्हें जेल हो जाएगी तो फिर इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा इसीलिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को फोन किया दैट मीन्स उन्हें टेलीग्राफ किया उन्हें बताया कि उन्हें अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में तुरंत यहाँ पर आ जाना है उन्होंने आश्रम में भी सारे के सारे इंस्ट्रक्शन भेजिए और इंटायर इंसिडेंट को वाइस रॉय को बता दिया अगले ही दिन जब उन्हें कोर्ट जाना था तो पूरा का पूरा कोर्ट जो था वो ब्लैक हो गया था वो क्राउडेड था वो क्राउडेड हो गया था इतने सारे लोगों से क्योंकि लोगों को गांधी जी के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी खुद एक एडवोकेट थे वो तो यहाँ पर ये सुन के आए थे कि एक महात्मा उनकी मदद करने आया था और उसे अथॉरिटीज़ परेशान कर रही थी और इसीलिए वो गांधी जी की मदद करने प्रोटेस्ट करने वहाँ पहुँच गए थे वो इतने ज्यादा लोग थे कि वहां पर गवर्नमेंट उनको देखकर बक्की रह गई और इनफैक्ट पुलिस को भी गांधी जी की मदद लेनी पड़ी उन्हें रेगुलेट करने के लिए पुलिस ने गांधी जी से मदद मांगी कि गांधी जी की मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते फाइनली पुलिस पुलिस ने ने गांधी जी ने की मदद की पोलाइटली लोगों को एड्रेस किया इधर प्रोसिक्यूटर और जज भी डर गए थे और पता नहीं क्यों बट यस उनके ट्रायल में डीले हो रहा था गांधी जी ने फाइनली प्रोटेस्ट किया बोला कि तुम डीले क्यों कर रहे हो जब मैं यहां पहुंच गया हूं तो फिर देरी किस बात की है फाइनली गांधी जी को का ट्रायल शुरू होता है और गांधी जी कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ गलती मेरी है मैं गिल्टी प्ली करता हूँ बिल्कुल मेरी गलती है मैंने आपके ऑर्डर को डिसोबे किया है पर मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था मैं क्या करता एक तरफ तो था आपका ऑर्डर जिसे मैं डिसोबे नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक बैड एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट नहीं करना चाहता था और दूसरी तरफ थी मेरी ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस जिस पर मेरा जाना जरूरी था मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अवॉइड करना ही था तो मैंने आपका ऑर्डर अवॉइड किया कोई नहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं पेनल्टी भरूंगा आप मुझे बताइए कितनी पेनल्टी होती है मैं अभी सारी पेनल्टी दे देता हूँ फाइनली उन्होंने यहाँ पर यह बोला तो जज एकदम से चौंक गए जज ने कहा अरे ये कौन है भाई ये कौन है ये इंसान आया आकर इसने अपना केस भी लड़ लिया है अपनी सुनवाई भी कर ली जज ने कहा वो 120 मिनट तक कुछ भी नहीं कह सकते और अगर गांधी चाहें तो वो बेल ले सकते हैं गांधी जी ने बोला मुझे बेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं यहीं बैठा इंतजार कर रहा हूँ लंच ब्रेक के बाद में जब वापस से कोर्ट रिकन्वीन हुआ तो इतने में मजिस्ट्रेट ने कहा कि सेवरल डेज तक कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी और तब तक के लिए गांधी एप्सल्यूटली फ्री हैं गांधी जो चाहे वो कर सकते हैं सेवरल डेज तक जब तक सुनवाई नहीं होती है वो एप्सोल्यूटली फ्री है भगवान जाने ऐसा कौन से कोर्ट में होता है जहां पर लोगों को इस तरीके से फ्री छोड़ दिया जाता है फ़ाइनली गांधी जी अपने लॉयर फ्रेंड से बात करने लगे गांधी जी ने कहा कि अगर मैं मेरे को जेल हो जाती है तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ एक सीनियर लॉयर वहाँ पर आया था उसने कहा कि देखिए हम तो आपकी मदद करने आए थे हम तो यहाँ पर आपकी मदद करने आए थे अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे हम घर चले जाएंगे गांधी जी ने कहा तो फिर इन लोगों का क्या होगा राजेंद्र प्रसाद ने सब लोगों को बुलाया और राजेंद्र प्रसाद ने लॉयर्स से बात की राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये इंसान ना तो बाजू के डिस्ट्रिक्ट का है और ना ही इसका केस से कोई लेना देना है ये इंसान उसके बावजूद अगर हम लोगों के लिए मतलब इन लोगों के लिए खड़ा है जेल जाने को तैयार है तो हम लोग जो कि ना तो सिर्फ बाजू के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं पर साथ ही साथ में इस केस के लॉयर हैं अगर हम घर चले गए तो एक बहुत ही शेमफुल बात होगी वो वापस गए और उन्होंने गांधी जी को कहा कि अगर यहाँ पे तुम्हें जेल हो जाती है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे गांधी जी ने कहा अब तो मानो हम लोग ये बैटल जीत गए गांधी जी ने प्लानिंग करना शुरू किया और लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया कि एक के बाद एक एक के बाद एक कौन कौन जेल जाएगा फाइनली गांधी जी को एक मैसेज मिलता है जिसमें मैजिस्ट्रेट ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस ड्रॉप करवा दिया है और गांधी जी एब्सोल्युटली फ्री है फिर क्या फिर गांधी जी ने फुल स्विंग के अंदर अपना आ, कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया ये पहली बार था कि मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जीता था उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू किया सारे लोगों के बयान इकट्ठे करने शुरू किए दस हज़ार लोगों ने बयान दिए थे और यहाँ पर लैंड बस खड़े खड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और कुछ नहीं और कुछ वो कर भी नहीं सकते थे इसके बाद में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया गांधी जी को कोई यकीन नहीं था उन्हें लगा कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है इसीलिए वो पीछे से इंस्ट्रक्शन देकर गए थे कि अगर वो वापस ना आए तो सिविल डिसोबीडियंस को लागू कर दिया जाए उन्होंने सारी जगह पर इंस्ट्रक्शन भेज दिए थे कि उन्हें जेल हो सकती है गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो केवल और केवल जानकारी चाहते थे चार लंबे चौड़े इंटरव्यू के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिसाइड किया कि कमीशन बनानी पड़ेगी जिसमें पेजेंट्स पे पेजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे गांधी जी और लैंड वहां वहाँ पर बैठे होंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहाँ पर बैठे रहेंगे फाइनली जब कमीशन बैठी तो यहाँ पर लैंड के ऊपर बहुत सारे एविडेंस का पहाड़ टूट पड़ा उन्होंने सीधा ही पूछ लिया कि भाई कितने पैसे देने हैं उन्हें लगा कि गांधी जी पूरे पैसे मांगेंगे जबकि गांधी जी ने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी परसेंट चाहिए अभी यहाँ पर वो इतने शातिर थे कि उन्होंने सोचा कि अभी पैसे को रोक लेते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो केवल पच्चीस देंगे गांधी जी को पता है कि ये बिल्कुल भी पैसे देने के इच्छुक नहीं थे और बिल्कुल भी ये गांधी जी को पैसे तो बिल्कुल नहीं देने वाले थे इसीलिए गांधी जी ने उस डेड को ब्रेक किया बोला ठीक है तुम मुझे पच्चीस दे दो गांधी जी ने समझाया कि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता था कि उन्होंने कितने पैसे दिए क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे देने के लिए राज़ी ही नहीं थे मैटर ये करता था कि उस पैसे के साथ में उन्होंने अपनी प्रेस्टीज भी दी मैटर ये करता था कि आज वो हारे थे प्रेजेंट ने सीखा था कि उसके हक क्या है कि वो अपने हक के लिए कैसे लड़ेगा मैटर ये करता था कि आज ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हमारा देश कमजोर नहीं है मैटर ये करता था कि हमारी यूनिटी यहाँ पर अभी भी प्रिवेल करती है और जैसा गांधी ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली exactly वैसा ही हुआ कुछ ही सालों के अंदर लैंड लॉड वहाँ पर जमीनें खाली करके चले गए लैंड लॉड जमीनें खाली करके चले गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वैनिश हो गया चंपारण से गांधी ऐसे ही थे गांधी कभी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते थे गांधी जी का लॉयल्टी एब्सट्रैक्शन से नहीं था ऐसे ही जब उन्होंने कल्चरल और सोशल कंडीशंस देखी चंपारण में तो उन्हें लगा कि उन्हें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए इसी लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ टीचर्स को बुलाया नरहारी पारीख महादेव देसाई वहाँ पर आए जो, जो वो यहाँ पर वहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए थे ताकि से वो बच्चों को पढ़ा सके बहुत सारे विलेजेस में स्कूल्स खोले गए छः विलेजेस में स्कूल्स खोले गए साथ ही साथ उन्होंने आश्रम से कस्तूरबाई और अपने छोटे बेटे देवदास को भी बुलाया था वो लोग वहाँ पर आए थे आश्रम रूल्स रेगुलेशन और सैनिटेशन सिखाने के लिए साथ ही साथ में वहाँ पर हेल्थ कंडीशन मिजरेबल थी इसीलिए गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए थे जो छः महीने तक अपनी सर्विस वॉल्ट्रिल देगा उन्होंने तीन दवाइयां भी मंगवाई थी जिसकी मदद से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए इस पूरे टाइम के दौरान गांधी जी ग्राम पे पूरी नज़र रखे हुए थे ये एक ऐसा एपिसोड था जिसे गांधी जी को लगा कि कुछ दिन लेगा उनके लाइफ के पर ये एक साथ उनके लाइफ के सात महीने ले गया था आप सोचो ये एक ऐसा एपिसोड जो उनको लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है छोटे छोटे विजिट्स मिलाकर पूरा एक साल उनकी जिंदगी का ले गया था गांधी जी की लाइफ में ये जो एपिसोड था ये एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया गांधी जी की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट इसके लिए था क्योंकि पहली बार सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर जीता था ये तो बस शुरुआत थी इंडियन स्ट्रगल की क्योंकि इसके बाद में इंडिया को केवल फ्री करना था उनकी फिलॉसफी थी कि वो एक एक भारतीय को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा होगा उनकी लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शन से नहीं थी वो लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे आ, उन्होंने ये और अच्छे से तब जाना जब वो चंपारण आए वो लोगों को सेल्फ रिलायंस सिखाना चाहते थे और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने आ, साबित कर दी आ, जब आ, अभी चंपारण एपिसोड में आ, जो एंड्रयूज़ थे आ, उनका आना हुआ सी एफ एंड्रीज़ जो कि एक पैसिफिस्ट थे और बहुत ही बड़े डिवोटी थे आ, गांधी के वो गांधी जी से मिलने आए थे वो इसीलिए मिलने आए थे क्योंकि अब वो जा रहे थे तो वो गांधी जी से मिलने आए थे और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर हम इस इंसान को यही रोक दें हमारे साथ में हमारी मदद करने के लिए उन्होंने एंड्रीज से पूछा एंड्री ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गांधी जी कहेंगे गांधी जी कहते हैं ये तुम्हारे दिल की बुजदिली सिखाता है ये दिखाता है कि तुम कितने ज़्यादा बुजदिल हो कि तुम्हें लगता है कि ये फाइट अनईक्वल है तुम्हें लगता है कि बिना एंड्रयू की मदद के हम जीत नहीं पाएंगे शर्म करो अगर हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है एंड्रयू के अंदर प्रॉप दे प्रॉप देखना बंद कर दो तुम राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये तो बिल्कुल जो मैंने सोचा था एकदम अच्छे से समझ गए हैं गांधी जी और इसी तरीके से गांधी जी ने उन्हें एक सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया सेल्फ़ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस शेयर चंपारण में शेयर क्रॉपिंग ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई थी इस चैप्टर इंडिगो में सो so, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी चैप्टर इंडिगो के अंदर और ये चैप्टर इंडिगो जो है ये हम लोगों को यस ये हम लोगों ने कर लिया है अब ऑल राइट सो अभी ये तो हो गया है जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो नए बैचेस के बारे में जो आ रहे हैं आप मेरे स्पेशल क्लास का हिस्सा बन सकते हो जहाँ पे आप फ्री में मेरे साथ पढ़ सकते हो आप मेरे साथ में पोल्स कर सकते हो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो आप मेरे कम्यूनिटी का हिस्सा बन सकते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन सारे पी डालती रहती हूँ तो आप वहाँ पर इसका हिस्सा बन सकते हैं ऑल्सो आप हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप के लिए एमर्ज का हिस्सा बन सकते हैं तो एमर्ज में एनरोल करना मत भूलना नौ तारीख से बारह तारीख तक एमर्ज शुरू होने वाला है ये उसका टाइम टेबल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश मॉक टेस्ट सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे को शाम पाँच बजे तो इसका हिस्सा बनना मत भूलना दैट्स इट बचा आ रही आई होप आपने इसे इन्जॉय किया होगा आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा ये वन शॉट पसंद आया होगा और मैंने जस्टिस की होगी आपके टाइम के साथ में सो या नाउ सिंस दैट इज़ डन अभी मस्त हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट में भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना येस yes, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि चैनल पे अभी आने वाले और भी क्लासेस हैं मतलब बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं बहुत सारे वन शॉट्स आने वाले हैं एंड इनकी मदद से आप अपने टर्म टू को क्रैक कर सकते हो सो यस आई होप यू इन्जॉय दिस डोंट फोरगेट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है लाइक करना नहीं भूलना है वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना एंड कॉमेंट डाउन करना नहीं भूलना है डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी माई लिंक लिंक टू माई प्रोफाइल इज गिविन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बाय बाय टेक केयर सी यू सैन